माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो गए ये मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट आप टुकड़ा तोड़ ही सकते हैं। और सभी लोगों को राम राम। आज हम लोग बात करेंगे तीन नंबर की। तीन बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन तीन नंबर बहुत यूनिक है। मैं एक और तीन को एक तरीके से क्या फादर फिगर कहता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे और ऐसे नंबर्स होते हैं जो अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं। तीन नंबर आपकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा निखार देता है। तो पहले बात करेंगे, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में तीन नंबर ज़्यादा है, यानी वही डेट मंथ ईयर, इसमें तीन नंबर यदि दो या उससे अधिक बार आता है, ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब होता है, यानी दो या उससे अधिक बार आता है तो इसका क्या मतलब होता है, ये हम जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे भाग्यांक में तीन नंबर का क्या मतलब है। ठीक, तो बातचीत शुरू करने से पहले हम क्या करें, उन लोगों को विश करते हैं जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, खूब मेहनत करना, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, नई जगह, नए ट्रांसफर, पोस्टिंग, इन सब के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इसीलिए आप आगे बढ़े, हिम्मत मेहनत से आगे बढ़े। बस तीन बातों का ख्याल रखना है, एक घर से मनमुटाव ना हो, दूसरी चीज़ आपकी हेल्थ एकदम दुरुस्त रहे, इसके लिए सही भोजन, सही व्यवहार, सही दिनचर्या, और तीसरी चीज़ है रिश्तों के लिए ये समय काफ़ी ख़राब है, इसलिए आप रिश्ते बहुत सोच समझ कर निभाएं। और 12 महीने तो कम से कम गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा, शक बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है किसी महत्वपूर्ण रिश्ते से हाथ धोना पड़ जाए। लेकिन कुल मिला के ये अच्छा समय है आपके लिए, और आप इसमें तरक्की भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अप्रैल का आखिर हफ्ता, मार्च का आखिर हफ्ता, फिर पूरा अप्रैल, उसके बाद जुलाई का आखिर हफ्ता, फिर अगस्त और सितंबर का पहला हफ्ता, फिर नवंबर का पूरा महीना, ये बहुत ख़ास है आपके लिए। लीव नो स्टोन अनटर्न, बहुत मेहनत करना तो कुछ आपको विशेष हासिल हो सकता है। ये समय ऐसा होगा जो आपकी किस्मत को बढ़ा रहा होगा, बस थोड़ा सा कर्म और उसमें मिला दीजिएगा तो तरक्की हो जाएगी। उपाय क्या करना है, आपने रविवार को नमक नहीं खाना है, थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और उसके बाद आप बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार, दोनों में से कोई एक दिन तय कर लीजिएगा, इस दिन आपने 8 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन अवश्य देना है, चाहे एक कन्या हो, ज़्यादा हो, यह आप पर निर्भर करता है। ये करे जाइए, तरक्की हो ही जाएगी। ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं, यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में तीन नंबर ज्यादा बार आता है, एक या उससे ज्यादा बार आता है, तो क्या इसका परिणाम निकलता है। तीन नंबर जितना ज्यादा होगा, व्यक्ति के अंदर डोमिनेट करने की टेंडेंसी उतनी अधिक होगी। इसीलिए जिनके डेट ऑफ बर्थ में तीन नंबर ज्यादा आता है, ठीक, यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, तीन नंबर ज़्यादा लिखा हुआ हो, उन लोगों को अपनी आदतें बहुत सुधार कर चलना चाहिए। इन लोगों को डोमिनेट करने की टेंडेंसी, ओवर कॉन्फिडेंस की टेंडेंसी, ये बहुत नुकसान पहुंचाती है जीवन में, ये बहुत परेशान हो जाते हैं उसकी वजह से। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक डायरेक्ट 3 आना और दूसरा दो नंबर के जोड़ से 3 बनना। तो डायरेक्ट 3 जब आएगा तो वो क्वालिटी ज़्यादा देगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, और किसी के जोड़ से यदि 3 बना है तो वो क्वालिटीज नॉर्मल होंगी। तो डायरेक्ट 3 यदि दो बार से अधिक है तो ऐसे व्यक्ति में हिटलर जैसा बनने की टेंडेंसी होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी बात ना में नहीं सुन सकते, उन्हें हाँ में ही सुनना होता है। ऐसे लोग
जब चापलूस पसंद हो जाते हैं तो ऐसे लोगों का उसके बाद पतन एकदम सुनिश्चित हो जाता है। फिर ये तय हो जाता है कि अब ये औंधे मुंह गिरने वाले हैं। ऐसे लोग बड़ी तेजी से तरक्की करते हैं। शुरू में लेकिन संघर्ष का सामना करना पड़ता है। 24-25 तक इनको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बड़ी तेजी से तरक्की करते हैं और यदि 3 नंबर 3 या उससे अधिक बार है तो गवर्नमेंट से इनको लाभ मिलता है। अब वो किसी भी रूप में मिल सकता है, या हाई गवर्नमेंट ऑफिसर, पॉलिटिशियन, या किसी भी कैडर में कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट में हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ इन्हें गवर्नमेंट ट्रेजरी से फंड्स मिलते हों। कुल मिला के ये बहुत अच्छा नंबर है। अब भाग्यांक अगर 3 है, यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल यदि 3 है, तब क्या होगा? बड़ी खास बात है जो राशिफल बताने के बाद बताऊंगा। मेष राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है, बहुत सोच समझ कर चलना होगा। इस दिन आप भगवान शिव की उपासना जरूर करें। वृषभ राशि के लोगों को दुर्घटना से सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और बहुत तोल मोल के बोलना होगा। माँ दुर्गा की उपासना वृषभ राशि के लोग अवश्य करें। मिथुन राशि के लोगों के लिए धन का संकट इस दिन हो सकता है, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, ये भगवान गणेश जी की उपासना करें। कर्क राशि के लोगों को बहुत सोच समझ कर बोलना होगा, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, प्रतिष्ठा की जरूर बढ़ेगी, यह गरीबों की मदद करें। सिंह राशि के लोग इस दिन बहुत सोच समझ कर बोलें, गुस्सा बिल्कुल ना करें, वाद विवाद में बिल्कुल नहीं उलझें, सूर्य को जल दें फिर काम पर जुटें। कन्या राशि, आपके लिए समय धन की दृष्टि से अच्छा नहीं है, आपके एफर्ट्स एकदम कामयाब नहीं होंगे, धैर्य रखना होगा। बड़े भाई बहनों से आपका तनाव ना हो इस बात का भी ख्याल रखना होगा। गौ माता की सेवा जरूर करिएगा। आइए अब मैं आपको भाग्यांक 3 के बारे में बताता हूं। भाग्यांक 3 का जो सबसे बड़ा गुण है वो है लीडरशिप। दे आर वेरी गुड लीडर्स। जिनका भाग्यांक 3 निकल के आता है, दे आर वेरी गुड लीडर्स। बहुत कम रिसोर्सेस में भी ये लोग बहुत बड़े कार्य कर जाते हैं। इनके अंदर संघर्ष करने का मादा बहुत ज्यादा होता है। ये लोग काम निकालना भी जानते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते, लेकिन इनके अंदर टैलेंट जो होता है वो उनका कार्य करता चला जाता है। इन लोगों को उच्च पदस्थ लोगों से, पॉलिटिशियन से, गुरुओं से, शिक्षकों से विशेष स्नेह प्राप्त होता है। गुरुओं की ऐसे लोगों पर बड़ी विशेष कृपा हो जाती है, जिसकी वजह से जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। एक चीज और मैं यहां कहना चाहता हूं कि जिनका भाग्यांक 3 होता है उन्हें आसानी से गुरु और शिक्षक मिलते नहीं उनके मन मुताबिक, लेकिन ऐसे लोगों को लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे लोगों को पशु पक्षियों और वनस्पति का ख्याल जरूर रखना चाहिए। बुजुर्गों की, शिक्षकों की, गुरुओं की बहुत इज्जत करनी चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए और पेट से अधिक खाना नहीं खाना चाहिए, भूख से अधिक खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को गैस और एसिडिटी बहुत जल्द परेशान करके लीवर डिस्टर्ब कर देती है। अब उपाय क्या करना चाहिए? ऐसे लोग केसर और गंगा जल बांटा करें। दूसरी बात जो मैंने बताया, किन किन की रेस्पेक्ट करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, और ऐसे लोगों को अपने जन्मदिन वाले दिन खास तौर से बुजुर्गों को उपहार देना चाहिए। लाभ होगा और आप जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन 3 नंबर के अंदर एक बहुत नेगेटिव टेंडेंसी होती है, जिसे कंट्रोल नहीं किया गया बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी बताता हूं, पहले बाकी राशियों का हाल बता दूं आपको। तुला राशि, इस दिन किसी की निंदा मत कीजिएगा, दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, नुकसान उठा जाएंगे। वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि के लोगों को इस दिन दाल का दान जरूर करना है और सतर्क रहना है हर ओर से। बाकी समय ठीक है, चिंता ना करें। धनु राशि, आप बहुत सोच समझ कर अपना कोई निर्णय लीजिएगा इस दिन और मुस्तैदी से अपने काम पर जुटे रहिएगा और थोड़ा सतर्क रहिएगा, कोई आपकी निंदा करके नुकसान करना चाहता है। सब्जियों का दान जरूर कर दें, कच्ची सब्जियों का। मकर राशि, आलस्य को जरा आप ठेंगा दिखा दीजिए। अभी आपको आज बहुत मेहनत करनी है, तभी जाकर आपको लाभ मिलेगा। इस दिन जरा उड़द की दाल का दान जरूर कर दें और भोजन हल्का खाएं, नहीं तो वो देखा ना अपने अजगर वैसे हो जाएंगे आज आप, और आलस्य से आपका जो भाग्य पक्ष है वो वैसे कम हो जाएगा। इसलिए आज आप हल्का फुल्का खाएं और चुस्त रहें, काम पर मुस्तैद रहें। कुंभ राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, तरक्की करने वाला है, बस अपनी पीठ का और सर का ध्यान जरूर रखिएगा। नमः शिवाय का जप करें, काम पर जुट जाएं। मीन राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है लेकिन चोट का भय है, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलने की जरूरत है। इस दिन फल का दान जरूर करिएगा, बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तो तीन नंबर वाले लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है और वो बुरी आदत होती है अहंकार। अपने ज्ञान का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी जाति कुल किसी भी चीज का अहंकार बहुत जल्द आता है और उस अहंकार के चलते ही चापलूसी पसंद करने लगते हैं। बस वहीं से व्यक्तित्व में गिरावट शुरू हो जाती है। तो अगर ये दो चीजें ही अपने से दूर रखें तो निश्चित रूप से इनमें ज्ञान बहुत होता है और उस ज्ञान के दम पर ही आगे निकल सकते हैं। ज्ञान को हम फॉर्मल एजुकेशन से कभी नहीं जोड़ते, ज्ञान को हम सर्टिफिकेट्स डिग्री से कभी नहीं जोड़ते। हो सकता है किसी व्यक्ति के पास फॉर्मल डिग्रीज सर्टिफिकेट्स ना स्कूलिंग ना हो, लेकिन ज्ञान बहुत हो सकता है। तो ये जो जिनका भाग्यांक तीन होता है, ऐसे लोगों पे बड़ा ज्ञान होता है और अपनी लीडरशिप के दम पर ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस कमी वही आ जाती है, अहंकार। तो चलो कोई बात नहीं, उससे तो बच ही जाएंगे। जो उपाय मैंने बताए अगर वो आप करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। वैसे तीन नंबर मैं फिर कहूंगा, एक मास्टर नंबर है, लीडर्स नंबर है, ये ज्ञानियों का नंबर है और ज्ञानियों से कृपा प्राप्त करने का नंबर है। और तीन नंबर में अगर सौम्यता आ जाए तो आगे जाकर इन्हें इतना आध्यात्मिक ज्ञान मिल सकता है गुरु की कृपा से कि विशेष चमत्कार इनके जीवन में ये देख सके। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे रास्ते पर डालेंगे। तीन नंबर के लिए सेवा बहुत आवश्यक है, जरूर करते रहें। जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ही आप तरक्की करते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत खुश रहिएगा और खुश रखिएगा भी, अफवाहों से बचिएगा, फैलाइएगा तो बिल्कुल भी मत। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।